हनीफ प्रोडक्शन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग यहाँ से शुरू करते हैं। तो उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश, जो दोस्त नए देख रहे हैं मुझे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ हमारे शहर में, मैंने जैसा कि आपको बताया कि पिछली वीडियो में कि हमारे शहर में दो रोज़ा दारी मेला होता है, बहुत ही बड़ा मेला होता है, तो आपको दिखाने वाला हूँ वही। तो अभी मेरे ख्याल में मगरिब का टाइम हो चुका है, तो हम जाते हैं नमाज़ के लिए। नमाज़ के बाद अशा की नमाज़ के बाद ही दरी खुलेगी। कितना लोग होते हैं, क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, आपको सब चीज़ें दिखाऊंगा। हमारे साथ जुड़े रहना, कहीं जाना नहीं। तो चलते हैं। अच्छा नाज़रीन, हम दरबार के अहाते के अंदर आ चुके हैं। दरबार का अंदरूनी मनाज़र आपको दिखा रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहना ताकि 1-2 आल आगे आने वाली हर चीज़ आपको दिखा सकूं। तो नाज़रीन ये देखें दरबार का अहाता, ये मज़ारे हैं। तो आगे हम चल लेंगे, यहाँ पर लोग इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि कब दरवाज़ा खुलेगा। ये देखें नाज़रीन, ये दरवाज़ा तब खुलेगा जब अशा की नमाज पढ़ लेंगे सजाद गान, तो फिर आएंगे दरवाज़ा खोलेंगे। तो यहाँ पर बाहर से आप देख सकते हैं, ये वो दरवाज़ा बाहर से है, यहाँ की तरफ से है। मैं आपको दिखाता हूँ आगे जाकर, ये देखें ये सामने वाला दरवाज़ा है, ये इसको खोलेंगे तो आवाम यहाँ से गुजरेगी। ये साल के बाद ही खुलता है। तो नाज़रीन यहाँ लोग इधर उधर अपना ज़ियारत कर रहे हैं, तो जैसे ही पीर साहब आते हैं वो दरवाज़े को खोलेंगे, तो तब आवाम जो है ना अंदर जाएगी। हम पीछे इसलिए खड़े ताकि मैं आपको ये वीडियो सब डिटेल में दिखा सकूँ। तो नाज़रीन ये गुजर जाएंगे, फिर मैं गुजरूँगा, वहाँ तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा क्योंकि इतना रश होता है कि बंदा मोबाइल नहीं उठवा सकता। तो आप जो है ना हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें। तो यहाँ देखें ये कितने लाइनों में लोग आ रहे हैं, लाइन लग के आ रहे हैं कि हम दरवाज़े के ऊपर से गुज़र सकें। तो नाज़रीन बाहर जाते हैं तो इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। ये अभी अंदरूनी मनाज़र हैं, तो बाहर का माहौल भी आपको मैं दिखाऊँगा, तो आप जो है ना जुड़े रहें। तो अभी पीर साहब नहीं आए, मेरे ख्याल में अभी वो आने वाले हैं। तो आवाम जो है ना उठ रही है तो देखने के लिए कि पीर साहब आए तो हम जाएं। एक घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं, आ चुके हैं। तो नाज़रीन यहाँ जो है ना लोगों ने क्या कर रखा है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर मसला हो जाता है। ये रोक रहे हैं कि यार ऐसा ना करें, ऐसा ऐसा जाए। हाँ
तो चलिए नाज़रीन, हम बाहर आ चुके हैं ये पिक्चर बनवाने के लिए। जो लोग यहाँ बनवाते हैं वही जगह है, तो ये बाहर हम आ चुके हैं। तो देख सकते हैं आप ये माहौल, ये चडोल, ये देख सकते हैं खूबसूरत माहौल एंजॉय कर रहे हैं हम। लेकिन मुहर्रम की वजह से कुछ एहतराम भी लाजमी है, तो आगे आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। आपने कहीं जाना नहीं, जैसे हम एंजॉय कर रहे हैं आप भी करें। तो लेकिन मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये मुहर्रम में ना होता मेरा तो हमारी खुशियाँ तो हो जाती। तो ये जो है ना चल रहा है, घोड़े के ऊपर बैठकर मज़े ले रहे हैं दोस्त, लेकिन मैंने नहीं लिए। ये आ गया बहुत बड़ा बेड़ा, इसके ऊपर लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मैंने नहीं किया इसलिए कि मुझे डर लगता है, तो मुझे चक्कर आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने नहीं लगाया। तो हाँ, छोटे भाई इमरान ने लगाया है इसका चक्कर, और दोस्तों ने भी लगाया है। तो दूसरी साइड पे आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखें। लोगों के मज़े हैं, लोग इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये मुहर्रम ना होता तो और खुशी बहुत ज़्यादा होती। तो यही कुछ है, ये देखें इमरान भाई जा रहा है, तो और रावे साहब एक और मेरा अपना जा रहा है। तो नाज़रीन ये जा रहे हैं इमरान भाई, शाहनवाज़ और राजेश। तो नाज़रीन यहाँ करते हैं एंड, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।